स्पीड देखिए कैसे 10,000 किलोमीटर चली हुई है और 10,000 किलोमीटर में ख़त्म हो चुके, देख सकते हैं देखिए। और वहीं पहले दूसरे गियर में ही चल के ये जल गई बिल्कुल। और देखिए हब सेंटर वगैरह भी देखते हैं, इसका सही लग रहा है, ये देख सकते हैं देखिए इतनी मिट्टी है बिल्कुल, देख सकते हैं देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी है। और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की जो वीडियो हमारी देखिए इंटरसेप्टर है और इसमें मैं सर्विस करने जा रहा हूँ और इसकी जो क्लच प्लेट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और चली कितनी है 10,477 किलोमीटर चली हुई है बाइक। और अभी बाइक ये थोड़ी दिन पहले स्पीति हो के आई है, स्पीति राइड्स हो के आई है और 10,400 किलोमीटर चली है ऑलमोस्ट। और इसके जो ये लीकर हो गया, गिर गई बाइक को टेढ़ा हो गया है। और कई लोग कहते हैं कि इतनी जल्दी क्लच प्लेट क्यों ख़त्म हो जाती है, तो मैं दिखाता हूँ आपको, इसको खोलूँगा और दिखाऊँगा कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है इसलिए कि हम इसको फ्लस में चलाते हैं, पहले दूसरे गियर में तीसरे गियर में चलती है तो वहाँ ज़्यादा क्लच प्लेट ख़त्म होता है इस बाइक का इंटरसेप्टर का खास करके, बहुत इसकी क्लच प्लेट बहुत नैरो है। तो आइए फटाफट इसको खोलता हूँ और दिखाता हूँ आपको, चलिए। तो दोस्तों ये है बाइक जिसमें हमें आज सर्विस करना है, सर्विस के लिए आई थी और इसका मैंने चला के देखा तो क्लच बिल्कुल ख़त्म है, बाइक में बिल्कुल पावर ही नहीं है बिल्कुल। और देख सकते हैं देखिए, ये देखिए 10,470 किलोमीटर चली, शायद कैमरे में नहीं आ रहा हो, 10,470 किलोमीटर चली है। और एक इसका गिर के लेबर टेढ़ा हो गया ब्रेक का, और पीछे वाला ब्रेक पैड है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म है। और चैन में देखिए कितनी जंग लगा हुआ है, ये देखिए चैन में इतना जंग लग चुका है इसकी, खड़ी खड़ी है बाइक, चल रही है, ऐसा साफ सुफ नहीं किया, इतनी मिट्टी लगी हुई है इसमें देखिए। तो अभी इसको खोलता हूँ, यहाँ भी शायद इसमें बहुत सारा फ्लस होगा तो इसको भी साफ़ करेंगे और खोलता हूँ, जैसे जैसे खोलूँगा आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें और ख़राब निकलती हैं, क्या क्या चीज़ें सही होती हैं। तो फटाफट खोलते हैं, देखिए लोग हैंडल बार राइजर डलवा तो लेते हैं, देखिए हैंडल बार राइजर डलवा लेते हैं लेकिन ये नहीं होता कि तारों को रीराउटिंग कैसे करना है। और ये तार देखिए यहाँ पे ऊपर बाहर से इन्होंने छोड़ दी, यहाँ से हाँ कि अंदर से आ सकती है, देख सकते हैं सेम ये स्टॉक तार आ सकती है। और डिस्क ब्रेक की जो पाइप है देखिए, जब हम इसको मूवमेंट करते हैं तो देखिए खींच रही है कितनी ज़्यादा, ये देखिए तो देखिए कितनी टाइट हो गई। तो अब इसको भी रीराउटिंग करके थोड़ा सा बाहर से कर दूँगा कि देखने में थोड़ा, क्योंकि यहाँ से अगर ऐसे चलेगी तो यहाँ से क्रैक मार जाती है। तो चलिए फटाफट खोलता हूँ और देखते हैं। देखिए ये है क्लच प्लेट जो है इंटरसेप्टर की, और जल के बिल्कुल काली हो चुकी है, देखिए कैसी लाल क्लच प्लेट, देखिए कैसी लाल हो गई है और जल के काली हो गई, ये देख सकते हैं 10,000 किलोमीटर चलने के बाद कुछ इस तरीके की हालत हो गई इसकी। सो गाइस ये होगी इसकी पुरानी क्लच प्लेट और ये होगी इसकी नई क्लच प्लेट, अब दोनों में डिफरेंस देख लीजिए आपके सामने है, देख सकते हैं देखिए ये जल के बिल्कुल काली हो चुकी है और ये नई वाली है, अब नए में और इसमें देखिए डिफरेंस। और ये होगी अपनी प्रेशर प्लेट, देखिए इसमें देखिए डिफरेंस कितना है। तो चलिए फटाफट वॉश कर दिया सब कुछ, अब फिट करना है और फिट करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्लच कवर लग गया है, अब ये सब फिट करना है, क्लच पर डाल दिया, मैंने दिखाया आपको डिफरेंस कैसा था, कैसे ख़त्म हो चुकी है 10,000 किलोमीटर पे। और अब फटाफट इसको पैक कर लेता हूँ, फिर ब्रेक कवर डालता हूँ, तो फटाफट दिखाते हैं चलिए। तो दोस्तों देख सकते हैं देखिए मैंने ये कवर जब खोला है इसमें देखिए इतनी मिट्टी है, देख सकते हैं देखिए इतनी मिट्टी है बिल्कुल, देख सकते हैं देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी है और इसमें भी पूरा जमा हुआ है ये। तो अभी फटाफट इसको क्लीन करते हैं और फिर देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं देखिए बाइक हमारी बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं देखिए जो लीवर टेढ़ा था लीवर भी नया डाल दिया मैंने, देख सकते हैं देखिए ये देखिए डिस्पैड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, देख सकते हैं देखिए बिल्कुल भी ख़त्म हो गया चुका, तो देखिए दोनों में बिल्कुल लेदर ही में बचा, मतलब 10% के आसपास बचा हुआ है। और क्लच पैड हो गई मैं डल चुकी है, क्लच पैकिंग वगैरह ऑयल वगैरह डाल दिया, देख सकते हैं देखिए और डिस्पैड देखिए डाल दिया है, देख सकते हैं देखिए चैन वगैरह टाइट कर दी मैंने, चैन क्लीन कर दिया है, देख सकते हैं देखिए साफ़ हो चुकी है बिल्कुल।
ये वाला एरिया भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है, काफ़ी बहुत ज़्यादा दिन था। अब चलिए फटाफट लगाते हैं बाकी सारा। तो दोस्तों देख लिया आप लोगों ने कि कैसे जो है इसके 10,500 किलोमीटर चलने के बाद क्लच पैड खत्म हो चुकी थी बाइक। इससे पहले थोड़ी स्पीति राइड करके आए थे भाई, तो शायद उस टाइम ही ख़त्म हुई होगी क्योंकि ज़्यादातर वहीं पे पहले दूसरे गियर में फ्लस में चलती ज़्यादा कभी यार, तो वहीं ख़त्म होती क्लच पैड, ना कि सिटी में भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन डिपेंड करता है राइडिंग के ऊपर कैसे आप राइडिंग करते हैं। तो नॉर्मल है अगर 10,000 किलोमीटर भी चल गई तो बहुत है लगा लीजिए, नहीं तो जनरली लोग 5,000-6,000 किलोमीटर पे ख़त्म कर देते हैं। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ आती हैं मेरे पास क्लच पैड के लिए, तो मैंने आपको एक दिखा दिया कि कैसे 10,000 किलोमीटर 10,500 किलोमीटर भी क्लच पैड ख़त्म हो जाती है। तो बस सब मैंने आपको बता दिया कि कैसे राइडिंग के ऊपर डिपेंड करता सब कुछ है ऑलमोस्ट। बाकी अगर और भी बाइक आती है हमारे पास की जो 6,000-7,000 किलोमीटर में भी लोग ख़त्म कर देते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, इंतजार करिएगा नई वीडियो से, आपको मिलता है किसी नए वीडियो में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।